हबू का किचन में आज हम बनाएंगे लहसुनी मुर्ग मसाला। अगर आपको लहसुनी मुर्ग मसाला की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लहसुनी मुर्ग बनाने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे प्याज के साथ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट को भून लेने के बाद 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम मसाले को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। लहसुनी मुर्ग बनाने के लिए 1/2 किलो चिकन लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए 1/2 कप दही ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब मसाले में हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेने के बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप उतना ही ऐड करें जितना चिकन कुक करने के लिए चाहिए और ग्रेवी के लिए चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है तो इस पर तड़का लगाने के लिए 1 बड़े चम्मच ऑयल को गरम कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन फ्राई करने के बाद इसे चिकन में ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर आपको लहसुनी मुर्ग मसाला की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लहसुनी मुर्ग मसाला को फ्राई किए हुए लहसुन से गार्निश करके सर्व करेंगे।